सो वेलकम टू एमआर क्लासेस गाइस। सो गाइस देखो यार, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी, आवर न्यू टॉपिक। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी यार क्या होता है, कैसे होता है, उसका डेफिनेशन क्या है, बेसिक क्या है, वो पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे सो दैट हम लोग पूरा अच्छे से जान पाए प्रोबेबिलिटी के बारे में। ठीक है, तो देखो प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन देखना पड़ेगा हम लोग जो भी है ना इस लेक्चर में बेसिक देखेंगे। ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी करने के लिए क्या चाहिए, लाइक ठीक है, मतलब कोई भी प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड टर्म्स क्या क्या है ना, उसके बारे में अभी देखेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। सी तो पहला क्या है यार, रैंडम एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, पहला क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो मैं नाम से ही पता चल रहा हूँ रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो मैं एक्सपेरिमेंट के बाद बोल रहा है इट्स बी रैंडम। ठीक है, तो क्या बोला, लाइक देखते हैं। इफ एन एक्सपेरिमेंट व्हेन रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस डू नॉट प्रोड्यूस द सेम आउटकम एवरी टाइम बट द आउटकम इन अ ट्रायल इज वन ऑफ द सेवरल पॉसिबल आउटकम्स देन सच एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अ रैंडम एक्सपेरिमेंट और अ प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है यार, देखो ध्यान से पढ़ो। इफ एन एक्सपेरिमेंट व्हेन रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशन, कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर सेम कंडीशन में रिपीट होता है अंडर आइडेंटिकल कंडीशन, देखो फिर क्या बोल रहा है, डू नॉट प्रोड्यूस द सेम आउटकम्स एवरी टाइम। और वो जब भी तुम कर रहे हो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, हर टाइम क्या हो रहा है, तुम्हारा आउटकम्स डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, वही बोल रहा है। देखो इफ एन एक्सपेरिमेंट डू नॉट प्रोड्यूस द सेम आउटकम एवरी टाइम बट द आउटकम इन अ ट्रायल इज वन ऑफ द सेवरल पॉसिबल आउटकम, बट जो तुम्हारा ट्रायल आउटकम आ रहा है ना, हर एक टाइम में जो आउटकम आ रहा है, ट्रायल आ रहा है, वो क्या बोला, हर एक टाइम डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, मतलब सेवरल आउटकम से एक एक मिल रहा है। ठीक है, क्या बोला, देखो ध्यान से देखो, बट द आउटकम इन अ ट्रायल इज वन ऑफ द सेवरल पॉसिबल आउटकम, जो भी पॉसिबल आउटकम्स है तुम्हारा, वो जो तुम्हारा आउटकम्स आ रहा है उसी में से आ रहा है कोई एक। ठीक है, और रिपीट नहीं हो रहा, वो चीज देखने का। देन सच एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अ रेंडम एक्सपेरिमेंट और अ प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट। समझ में आया क्या है, देखो रेंडम एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं, राइटली बोल रहा है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो हर एक टाइम तुम्हें क्या दे रहा है, डिफरेंट डिफरेंट आउटकम दे रहा है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट आउटकम्स दे रहा है, और जो भी आउटकम्स आ रहा है वो तुम्हारा पॉसिबल ऑल पॉसिबल आउटकम्स का कोई एक आ रहा है, कोई मतलब कोई भी आउटकम्स आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं लाइक ये समझ में आया, डेफिनेशन देखो, अभी डेफिनेशन देख लो, अगर लिखने का मन है लिख सकते हो, बट जानना है। ठीक है, ये सब टर्म्स जानना है, ये सब टर्म्स आगे आएगा तुम्हारा, हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है दूसरा वाला, एलिमेंट्री इवेंट्स। एलिमेंट्री इवेंट्स क्या है, देखो इफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड, लाइक इफ दिस एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड देन ईच ऑफ इट्स आउटकम इज नोन एज एलिमेंट्री आउटकम। लाइक तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो हर एक टाइम, हर एक मतलब एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आउटकम्स आएगा ना, और हर एक आउटकम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं, देन ईच ऑफ इट्स आउटकम इज नोन एज एलिमेंट्री आउटकम। हर एक आउटकम को हम लोग क्या बोलते हैं, वो मतलब एलिमेंट्री इवेंट, सॉरी यार आउटकम नहीं, एलिमेंट्री इवेंट। ठीक है, क्लियर है। अब देखो सैंपल स्पेस क्या है, लाइक देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट कॉल्ड द सैंपल स्पेस एसोसिएटेड विद इट। क्या बोल रहा है, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट का जितना भी पॉसिबल आउटकम्स है ना, उसका सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है ना। अब देखो इवेंट आता है, लाइक इवेंट क्या बोल रहा है, अ सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अ, देखो ये क्या है, ये सेट है ना, सैंपल स्पेस क्या बोला, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। अब सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स का अगर सबसेट ले लोगे तो तुम्हारा उसको इवेंट बोलते हैं। ठीक है, इवेंट क्या है, तुम्हारा सैंपल स्पेस का कोई भी सबसेट है वो तुम्हारा इवेंट है। ठीक है, तो चलो और भी डेफिनेशन है। सो गाइस देखो यार, अभी सर्टेन इवेंट है। ठीक है, देखो सर्टेन और श्योर इवेंट, तो सर्टेन एंड श्योर इवेंट क्या होता है वो देखेंगे। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, देखते हैं डेफिनेशन। An event associated with a random experiment is called a certain event if it always occurs whenever the experiment is performed. मतलब जब भी तुम experiment perform करोगे ना, जब भी कोई भी random experiment perform करोगे तो उसका chances रहेगा कि हमेशा outcomes आएगा। एक example लेता हूँ, example से तुम अच्छे से समझ लोगे। देखो when we throw a dice, ठीक है, तो the event of getting a number less than 7, ये best example है। ठीक है, to understand it. तो देखो जब भी तुम एक डाइस फेंकोगे, डाइस समझते हो ना जिसमें लाइक खेलते हैं जो हम लोग, ठीक है, तो डाइस अगर तुम फेंकोगे तो हमेशा 7 से कम नंबर आएगा ना, क्योंकि उसका तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक होता है ना, तो हमेशा आउटकम्स आएगा हमेशा। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया क्या, श्योर इवेंट। मैं क्या बोला, अ नंबर, ठीक है, अन इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन सेवन, जब भी फेंकोगे डाइस तो तुम्हारा 7 से कम आएगा, तो तुम्हारा क्या हो गया, श्योर इवेंट हो गया। समझ में आया कि श्योर इवेंट क्या होता है, कि हमेशा आउटकम्स आएगा। ठीक है, अब देखते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट क्या है पता है, श्योर इवेंट का जस्ट ऑपोजिट है। तो क्या बोला, लाइक अन एक्सपेरिमेंट एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इम्पॉसिबल इवेंट इफ इट नेवर्स ऑकर
लाइक इफ इट नेवर ऑकर्स वेन एवर द एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म, जब भी एक्सपेरिमेंट होता है वो उसका चांसेस नहीं रहता, मतलब ऑकर नहीं होता है. लाइक सेम वेन वी थ्रो अ डाइस द इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन सिक्स. अब देखो जब भी डाइस फेंकोगे तुम ग्रेटर देन सिक्स नंबर मिलेगा नहीं मिलेगा ना, कहीं सिक्स का होता है ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया इम्पॉसिबल इवेंट हो गया. अब आते हैं लाइक कंपाउंड इवेंट में आते हैं, लाइक एन इवेंट एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अ कंपाउंड इवेंट इफ इट इज द डिसजॉइंट यूनियन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्री इवेंट. अगर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्री इवेंट का अगर तुम डिसजॉइंट यूनियन लोगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कंपाउंड इवेंट बोलेंगे ठीक है. तो डेफिनेशन ये यार देखो. अब क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ये इंपॉर्टेंट है ठीक है. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या बोलता है, लाइक टू इवेंट ए एंड बी आर सेट टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ, देखो दिस इफ दिस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव, मतलब उनमें अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो ठीक है, अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो तो हम उसको क्या बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलेंगे ठीक है. क्या बोल रहा है ए इंटरसेक्शन बी, दोनों का ये इंटरसेक्शन करोगे तो क्या आएगा फाइव आएगा, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है ठीक है. अब लाइक ये है क्या एग्जॉस्टिव इवेंट क्या है, टू और मोर इवेंट एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट आर एग्जॉस्टिव इफ देयर यूनियन इज द सैंपल स्पेस. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है दो या दो से ज्यादा इवेंट एसोसिएटेड विद अ रैंडम, कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का दो या दो से ज्यादा इवेंट लोगे और उसका यूनियन लोगे ना, तो उनका अगर यूनियन लोगे तो दो यूनियन देगा ना पूरा सैंपल स्पेस दे देगा ठीक है, पूरा सैंपल स्पेस दे देगा लाइक जितना भी है इवेंट्स ठीक है. तो चलो आगे भी देखते हैं और भी डेफिनेशन ठीक है. सो गाइस देखते हैं यहाँ पे लाइक देखो यहाँ पे क्या बोला लाइक देखो वर्बल डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट. तो वर्बल डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट में क्या है लाइक ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. लाइक स्टूडेंट समझ नहीं पाता ठीक है, उनको ये चीज पता ही नहीं होता है, वो लोग आगे बढ़ जाते हैं लाइक डायरेक्टली स्टार्ट कर देते हैं कई प्रोबेबिलिटी, हम लोग क्लास सेवन से स्टार्ट कर देते हैं पढ़ना ठीक है. तो यहाँ पर देखो क्या बोला लाइक हम लोग अगर नॉट ए बोलते हैं ना तो उसका नोटेशन कैसा होगा, नॉट ए, नॉट ए का मतलब क्या है ये तुम्हारा ए ऊपर में एक बार ए कॉम्प्लीमेंट जिसको बोलते हैं ठीक है. तो नॉट ए ऐसा होता है अगर ए तुम्हारा इवेंट है, अगर ए कोई भी एक इवेंट है तो इसका नहीं होने का इवेंट क्या है, नॉट ए का मतलब क्या है ए कॉम्प्लीमेंट ठीक है. क्लियर है समझ में आ रहा है बढ़िया. अब देखो क्या बोल रहा है ए और बी, देखो ए और जहां भी लगे ना तो यूनियन डाल देने का, और कहां पे जब अगर देखो और का जगह एटलीस्ट यूज किया होगा ना एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी, तो वहां पे एटलीस्ट में भी हम लोग यूनियन लगाते हैं ठीक है. क्लियर है याद रखना ये चीज याद रखना कि एटलीस्ट वन ऑफ ए यूनियन बी में भी हम लोग ए और बी में क्या करते हैं यूनियन लगाते हैं. क्लियर है ए एंड बी, एंड मतलब इंटरसेक्शन यार, देखो यहाँ पे इंटरसेक्शन का सिंबल दिया हुआ है, दिस इज द सिंबल ऑफ इंटरसेक्शन ठीक है. ये इंटरसेक्शन होता है, ये यूनियन होता है, ये तुम्हें पता है ठीक है, सब सेट्स में पढ़ चुके हो ठीक है. अब देखो क्या बोला ए बट नॉट बी, ए होगा बट बी नहीं होगा ठीक है. बट नॉट बी का मतलब क्या है, देखो नॉट ए हम लोग ऐसे लिखे थे तो नॉट बी ऐसे लिखेंगे, और ए बट नॉट बी का क्या होगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ठीक है, समझ में आ रहा है क्लियर है. अब देखो नाइदर ए नॉर बी, ना ही ए ना ही बी, तो यहाँ पे क्या होगा देखो नॉट नाइदर ए ना तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये तो ये नाइदर ए नॉर बी है. क्लियर है सब समझ में आ रहा है बढ़िया. अब देखो क्या बोल रहा है एटलीस्ट वन ऑफ ए कॉमा बी और सी, एटलीस्ट एटलीस्ट यूज किया मतलब यूनियन होगा, देखो यहाँ पे हम लोग एटलीस्ट यूज किए थे ना तो यूनियन था, तो यहाँ पे भी एटलीस्ट वन ऑफ ए बी सी, यहाँ पर दो वेरिएबल था लाइक दो था, यहाँ पर दो हम लोग लिए थे ए एंड बी, यहाँ पे हम लोग तीन लिए, तो ए यूनियन बी यूनियन सी. क्लियर है बढ़िया. अब देखो एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी में एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी ठीक है क्लियर है. तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट बी इंटरसेक्शन बी कैसे हो रहा लाइक मैं बता रहा हूँ ठीक है. इधर देखो अगर तुम्हारा ये सेट है एक और ये तुम्हारा ए है ये तुम्हारा बी है बी है ठीक है, ये तुम्हारा ए है एंड ये तुम्हारा बी है, तो यहाँ पर क्या बोला ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कहाँ आएगा ये आएगा ये पार्ट आएगा ठीक है. ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट पूरा ये हो गया बाहर वाला पार्ट, बी को छोड़ दोगे तो बी कॉम्प्लीमेंट हुआ, और ए इंटरसेक्शन मतलब क्या ये भी है. क्लियर है यूनियन किसके साथ, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कौन सा होगा ये होगा, तो यहाँ पर देखो क्या है एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी, तो यहाँ पर ए एंड बी सी प्लेयर है ठीक है. अब क्या बोल रहा ऑल थ्री ऑफ ए ए बी एंड सी, देखो ए बी सी सारा लेना है तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्लियर है. अब क्या बोला लाइक एग्जैक्टली टू ऑफ ए बी एंड सी, मतलब ए बी सी में हमेशा दो लेना है, दो लेना मतलब एक नहीं लेना है, तो यहाँ पे देखो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन क्या है तुम्हारा सी कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये नहीं सी नहीं ले रहे यहाँ पे सिर्फ ए एंड बी ले रहे, वैसे करके यहाँ पे ए एंड सी ले रहे देखो बी कॉम्प्लीमेंट है, एंड यहाँ पे क्या ए नहीं ले रहे बी एंड सी ले रहे ए कॉम्प्लीमेंट है ठीक है. तो यार देखो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे लाइक इसके बाद हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट में जाएंगे, लाइक इसको मैं मिटा रहा हूँ ठीक है. सी अब क्या आता है लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होता है ठीक है, देख लेते हैं देखेंगे क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं लाइक यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं अभी प्रोबेबिलिटी
कोई भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ले लो, कोई भी इवेंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, लाइक इफ देयर आर, इफ देयर आर एन एलिमेंटरी इवेंट, लाइक इफ देयर आर एन एलिमेंटरी इवेंट एसोसिएटेड एसोसिएटेड, ठीक है, विथ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, लाइक हम लोग जो भी देते हैं एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है, एंड एम ऑफ देम आर फेवरेबल फेवरेबल, ठीक है, फेवरेबल टू अन इवेंट ए, देन, ठीक है, देन द प्रोबेबिलिटी, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस, ठीक है, ऑफ ऑकरेंस और हैपनिंग बोल भी सकते हैं, ठीक है, हैपनिंग ऑफ ए दैट इज, हम लोग प्रोबेबिलिटी कोई भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी कैसे शो करते हैं, ऐसे करते हैं, हम लोग ए का बता रहे हैं, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम बाई एन। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इफ देयर आर एन एलिमेंट्री इवेंट, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट एन है, एंड एम ऑफ देम आर फेवरेबल, एम ऑफ देम आर फेवरेबल टू एन इवेंट ए, ए का ए के लिए फेवरेबल इवेंट कितना है, एम है, ठीक है, तो उसका प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, उस इवेंट का प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, पी ऑफ ए इज इक्वल टू एम बाई एन, ठीक है स्टूडेंट। और कुछ भी तुम्हें याद रखना होता है, लाइक क्या, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए नॉट, लाइक हाँ ठीक है, नॉट ए इज इक्वल टू वन होता है, ये याद रखना, तुम लोग पढ़ते आ रहे हो बचपन से, ठीक है ये चीज, हाँ तो ये चीज हो गया, ठीक है, यहाँ तक तुम्हें समझ में आया होगा गाइस। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक दो क्वेश्चंस करेंगे एंड ये टॉपिक को क्लोज करेंगे, ठीक है, एंड नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बताऊंगा मैं और भी आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ये तो बेसिक है, ये तो स्टार्टिंग है, ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं। सो गाइस देखो यहाँ पर हम लोग क्या किया, एक क्वेश्चन लिया, ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है, लाइक देखते हैं क्वेश्चन को समझते हैं क्या बोला, लाइक देखो 12 बॉल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 3 बॉक्सेस, क्या बोल रहा है, 12 बॉल, बॉल मीन्स कोई भी बॉल, ठीक है, तो यहाँ पर बोला है कि 12 बॉल क्या क्या है, 3 बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट किया है, लाइक 3 बॉक्स था, 3 बॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है। अब बोल रहा है क्या, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट बॉक्स, दैट द फर्स्ट बॉक्स, लाइक इसको मैं फर्स्ट बोलता हूँ, इसको मैं सेकंड बोलता हूँ, इसको मैं थर्ड बोलता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, दैट द फर्स्ट बॉक्स विल कंटेन 3 बॉल्स, मतलब इसमें 3 बॉल ही आएगा, ठीक है, उसका हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालना है, मतलब बाकी इसमें कितना होगा, बाकी बच गया कितना, 12 बॉल था ना, तो 12 गया, 9 बच गया, बाकी ये दोनों में मिला के कितना होगा, 9 बॉल्स होगा, ठीक है, टोटल इनमें 9 बॉल्स होगा, ठीक है, क्लियर है, तो हमें निकालना इसका प्रोबेबिलिटी, ठीक है, कि फर्स्ट बॉल में, मतलब फर्स्ट फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट बॉक्स विल कंटेन 3 बॉल, ठीक है, तो इसका हम लोग को निकालना है, लाइक तो हम लोग क्या करेंगे, सी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, देखो कैसे सॉल्व करेंगे मैं बता रहा हूँ, ठीक है, तो हम लोग को यार क्या सॉल्व करें, प्रोबेबिलिटी सॉल्व करें, अब प्रोबेबिलिटी में हम लोग क्या करते हैं, लाइक हम जो भी देखें फेवरेबल इवेंट होना चाहिए और बाई टोटल इवेंट, ठीक है, फेवरेबल इवेंट ये हो गया तुम्हारा, क्या होता है फेवरेबल इवेंट बाई, ये होता है टोटल नंबर ऑफ इवेंट, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट, लाइक हाँ इसको मैं ऐसे भी लिखता हूँ, लाइक ठीक है लिख देता हूँ यार, टोटल नंबर ऑफ इवेंट, क्लियर है, तो ये होता है, तो हम लोग को फेवरेबल इवेंट ढूंढना पड़ेगा एंड टोटल नंबर ऑफ इवेंट ढूंढना पड़ेगा एंड देन डिवाइड कर देंगे, हमें प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा, ठीक है, तो चलो क्या करते हैं, लाइक देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना होगा, लाइक यहाँ पर 3 बॉक्स है और यहाँ पर बॉल कितना है, लाइक ऐसे करके 12 बॉल है, ठीक है, तुम्हारा 12 बॉल है, तो देखो यहाँ पर हर एक बॉल के लिए कितना वेज है, हर एक बॉल के लिए कितना वेज है, 3 बॉल, मतलब 3 वेज है ना, ये 3, ये बॉल ये इसमें भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है, ये भी बॉल इसमें भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है, मतलब हर एक बॉल के लिए तुम्हारे पास 3 वेज है, तो यहाँ पर हम लोग टोटल नंबर ऑफ वेज निकाल देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 3 बॉल्स कैन बी पुट, लाइक 12 बॉल्स है ना यार, 12 बॉल्स कैन बी पुट इन टू द 3 बॉक्सेस इज इक्वल, चलो नंबर ऑफ वेज निकाले, नंबर ऑफ वेज क्या होगा, हाँ देखो हर एक बॉल का 3-3 वे था, तो यहाँ पे देखो ये फर्स्ट बॉल के लिए 3 वे, ये सेकंड बॉल के लिए 3 वे, थर्ड बॉल के लिए 3 वे, ठीक है, 3 वे 3 वे ऐसे करके, तो यहाँ पे तुम्हारा कितना बार जाएगा, 12 टाइम जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 to the power 12, क्लियर है, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वेज निकाल दिए, टोटल नंबर ऑफ वेज का फॉर्मूला यही है, ठीक है,
क्लियर है? अब आते हैं, ठीक है, ये तो हम लोग हो गया टोटल नंबर वाला, कि हम जो m बाई n करते हैं ना, हमें n मिल गया, क्लियर है? अब m ढूंढना है, m क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट बॉक्स विल कंटेन 3 बॉल्स, हमें पहला बॉक्स में 3 बॉल डालना है, उसका प्रोबेबिलिटी ढूंढना है कि क्या होगा, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, लाइक पहले 3 बॉल सिलेक्ट करेंगे, ठीक है? तो हाँ, तो नंबर ऑफ वेज लाइक नाउ सिलेक्टिंग सिलेक्टिंग 3 बॉल्स, ठीक है, 3 बॉल्स फ्रॉम 12 बॉल्स, 12 बॉल्स, ठीक है? तो उसका फॉर्म विच इज इक्वल टू क्या होता है, 12, हम लोग कैसे सिलेक्ट करते हैं, 12 बॉल में 3 बॉल सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट जब भी करते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन लाते हैं, ठीक है, इतना है, क्लियर है? तो ये हम लोग 3 बॉल सिलेक्ट कर दिए। अब देखो यार, ये तो बॉल सिलेक्ट कर दिए ना, अब जो होगा लाइक तुम्हारा अब 9 बॉल्स होगा, वो कहाँ पे होगा, बाकी सब अर्थ में। देखो यहाँ पे तो 3 बॉल सिलेक्ट कर दिए फर्स्ट बॉक्स में, ठीक है, बाकी बचा 9 बॉल्स, 9 बॉल्स बचा ना, तो 9 बॉल्स कहाँ होगा, वो बाकी 2 बॉक्स में होगा, तो 9 बॉल्स को भी सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? तो नंबर ऑफ वेज लाइक नंबर ऑफ वेज इन विच, डायरेक्टली करते इन विच 9 बॉल्स, 9th रिमेनिंग बॉल्स, ठीक है, 9 रिमेनिंग बॉल्स कैन बी पुट इनटू दी अदर 2 बॉक्सेस, ठीक है, अदर 2 बॉक्सेस क्या हो जाए, देखो अब देखो यहाँ पर वही है ना, कि यहाँ पर 9 बॉल्स है, यहाँ पर 12 बॉल्स था, तो 12 बॉल्स 3 बॉक्सेस में जाता, इसलिए 3 टू पर 12 करते हैं, यहाँ पर 9 बॉल्स क्या है, 2 बॉक्स में जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 टू पर 9 करेंगे, क्लियर है स्टूडेंट? क्लियर है हम लोग क्यों कर रहे हैं ये चीज़, ठीक है? क्योंकि इसके लिए तो 2 बॉक्स बचा ना, बाकी 9 बॉल्स के लिए तो सिर्फ 2 बॉक्स बचा, पहला बॉक्स में तो ये चला गया, ठीक है? अब हम लोग क्या करेंगे, सी अब हम लोग निकालेंगे क्या, टोटल नंबर ऑफ फेस, ठीक है? अब देखो ये चीज हो गया ना यहाँ तक, ठीक है, बढ़िया, देखो समझते जाओ यार, कुछ नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो सी यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइक टोटल फेवरेबल इवेंट जो निकालते हैं ना, वो हम लोग हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 3 बॉल्स आर इन फर्स्ट बॉक्स एंड रिमेनिंग, देखो रिमेनिंग 9 बॉल्स आर इन अदर 2 बॉक्सेस इज इक्वल टू, देखो हम लोग नंबर ऑफ वेज निकाले, जिसमें 3 इसे फर्स्ट बॉक्स में 3 बॉल होगा, बाकी सब बाकी 2 में 9 वेज होगा, लाइक 9 बॉल होगा, लाइक 9 बॉल होगा बाकी 2 बॉक्स में मिला के, तो उसका क्या था, हम लोग 3 बॉक्स क्या किए थे, 12 C3 किए थे, अब बाकी 9 बॉल्स अदर था, तो उसका क्या था, 2 टू पर 9, ये हम लोग निकाल दिए क्या, ये हम लोग निकाल दिए फेवरेबल इवेंट जो, ठीक है, हम लोग जो चाहिए था, हाँ, तो जिसमें 3 बॉल लाइक फर्स्ट 3 मतलब कोई भी 3 बॉल तुम्हारा फर्स्ट बॉक्स में होगा, बाकी रिमेनिंग 9 बॉल्स तुम्हारा बाकी 2 बॉक्सेस में होगा, ठीक है, क्लियर है? अब देखो क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, लाइक प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी दैट द लाइक तुम बोल सकते हो प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, डायरेक्टली बोल दो यार, इतना क्यों लिखने का, इतना क्यों लिखने का, डायरेक्टली बोल दो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो हमें चाहिए, ठीक है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा तुम्हारा, क्लियर है? ये फेवरेबल इवेंट बाई टोटल नंबर ऑफ इवेंट, फेवरेबल इवेंट क्या है, 12 C3 इंटू 2 टू द पावर 9 बाई टोटल इवेंट क्या था हमारा, 3 टू पावर 12, अगर याद हो तुम्हें तो, क्लियर है? अब इसको सॉल्व कर दो यार, और कुछ नहीं, यही आंसर है हमारा, ठीक है? तो 12 C3 क्या होता है, लाइक 12 फैक्टोरियल बाई 12 लाइक क्या होता है, डायरेक्टली अगर मैं डायरेक्टली करूँ तो तुम्हारा 12 × 11 × 10 / 3 × 2 × 1, क्लियर है? × 2 टू द पावर 9, देखो ये तो बड़ा होगा, कैलकुलेशन तुम लोग कर सकते हो खुद से भी, ठीक है? ये 3 टू पावर 12 होगा, काटना है काट दो, 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, एंड तुम्हारा आंसर आ जाएगा समवट 5 टू लाइक यहाँ पे क्या बचा, 6 × 2 = 12, 20 × 2 टू द पावर 9 बाई 3 टू द पावर 12, इसको फर्दर सॉल्व करना चाहोगे कर सकते हो, ठीक है, कैलकुलेशन है, हो जाएगा, क्लियर? यही तुम्हारा आंसर है, समझ में आया कैसे किए, ये चीज कैसे लाना था वो चीज तुम लोगों को समझना है, ठीक है? यहाँ पर हम लोग क्या किया, 3 बॉल सिलेक्ट किए फर्स्ट बॉक्स में, एंड बाकी 2 बॉक्स में जो 9 था लाइक हम लोग जो वेज था सिलेक्ट करने का, 9 बॉल्स 2 बॉक्सेस में, क्लियर है? और उसका फिर फेवरेबल इवेंट बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट हमें मिल गया प्रोबेबिलिटी, ठीक है? चलो और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, ओके, इसको मिटा देता हूँ, आई होप समझ में आ रहा होगा गाइस, ठीक है? सो देखो यार, देखो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है? तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं, लाइक क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है, देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड अट्रैक्शन, ATTRACTION, आर रिटन डाउन एट रैंडम,
फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, देखो ये बिट, दो बिट का प्रोबेबिलिटी ढूंढना है। पहला क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द टीज ऑकर टुगेदर, पहला सारा टीज क्या होगा साथ में होगा, एंड दूसरा क्या बोला, नो टू टीज ऑकर टुगेदर, मतलब कोई भी दो टी साथ में नहीं होगा, साथ में नहीं होगा, ठीक है, उसका ढूंढना है। समझ में आया क्वेश्चन? समझ में आया क्या है? अट्रैक्शन दिया हुआ है, लाइक अट्रैक्शन अगर हमें दिया हुआ है, अट्रैक्शन हमें ये दिया हुआ है, ठीक है, ये एक वर्ड दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि इसको ऐसा अरेंज करो जिसमें सारा टी एक साथ होगा, और उसका प्रोबेबिलिटी ढूंढना है, उसका प्रोबेबिलिटी ढूंढना है, ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द टीज ऑकर टुगेदर, ठीक है। तो वही सेम एयर प्रोबेबिलिटी ढूंढना है, फेवरेबल इवेंट ढूंढो, टोटल इवेंट, टोटल नंबर ऑफ इवेंट ढूंढो, डिवाइड कर दो, ये तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है, ठीक है, क्लियर है, जो कि हम लोग देखे थे डेफिनेशन। अब यार वही करना है हमें, क्या करना है, अब देखो टोटल निकाल लेते हैं। अब देखो टोटल नंबर ऑफ कितना वर्ड है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 नंबर को हम लोग क्या करना, अरेंज करना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज इन विच 10 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड, कैन बी अरेंज, यहाँ पर अरेंजमेंट हो रहा है ना, कैन बी अरेंज्ड इज इक्वल्स टू, देखो हम लोगों का वे क्या होता है, देखो कैसे होता है, यहाँ पर कितना है, 1 2 3 10 है, लाइक 10 फैक्टोरियल तो जाएगा। अब रिपीट क्या हो रहा है, 1 2 3 थ्री टी रिपीट हो रहा है, देखो 3 फैक्टोरियल तो होगा, देखो जो रिपीट होता है ना उसको हम लोग जितना बार रिपीट होता है उतना फैक्टोरियल डिवाइड करते हैं, ठीक है। और क्या है, और कुछ रिपीट हो रहा है क्या, लाइक ट्रैक्स है, ये टी हो गया, आर हो गया, और कुछ रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है, और कुछ कर रहा है क्या, दिख रहा है, अच्छा ए कर रहा है, देखो यहाँ ए एंड ए, तो यहाँ पर 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। और जो रिपीट, देखो जो जो वर्ड जितना बार रिपीट करेगा उसको उतना बार डिवाइड करके फैक्टोरियल डालने का, ठीक है, जैसे मैं ए 2 बार हो रहा था इसलिए 2 फैक्टोरियल, और टी में 3 बार हो रहा है इसलिए 3 फैक्टोरियल डिवाइड किया, क्लियर है। तो ये मेरा टोटल नंबर ऑफ वेज निकल गया, लाइक टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकल गया ऑफ अट्रैक्शन वर्ड का। अब हम लोग क्या बोला, देखो हमें निकालना किसका प्रोबेबिलिटी है जहां पर सारा टी एक साथ होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे पता है, सारा टी को एक साथ रख देंगे, सारा टी को एक साथ रख देंगे और इसको 1 काउंट करेंगे, ठीक है, सारा टी को एक साथ रख देंगे, इसको 1 काउंट करेंगे, टोटल 10 था तो बचा यहाँ पे कितना, 7, यहाँ पर 7 लेटर्स बचा, लाइक 7 वो लेटर्स बचा, ठीक है, 7 लेटर्स बचा, तो या अब इसको एज अ 1 काउंट करेंगे, सारा टी को एक काउंट करेंगे, तो 7 + 1 = 8, तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स मतलब प्लेसेस कितना हो गया, 8 हो गया, क्लियर है। तो हम लोग निकालेंगे क्या, लाइक नंबर ऑफ वेज बोल सकते हो, हाँ नंबर ऑफ वेज वेयर ऑल टीज ऑकर टुगेदर, सारा टी एक साथ होगा उसका वेज क्या हो जाएगा, ठीक है, अरेंजमेंट, अरेंजमेंट का वेज क्या हो जाएगा, हाँ तो उसका क्या होगा, देखो टोटल नंबर अभी कितना है, 8 फैक्टोरियल है, लाइक 8 फैक्टोरियल है। अब देखो यहाँ पर इसको तो 1 काउंट किया है ना, बाकी 7 लेटर्स है, 7 लेटर्स में ए भी आ रहा है, देखो बाकी 7 लेटर्स में ए भी आ रहा है, तो ए 2 बार रिपीट हो रहा था, ठीक है, तो जो रिपीट हो रहा है उसको डिवाइड कर देना जितना बार। अब देखो हमने फेवरेबल इवेंट भी मिल गया, और क्या है यार, फेवरेबल इवेंट बाई टोटल नंबर ऑफ इवेंट हमें प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, लाइक हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये ढूंढ रहे हैं, यहाँ तक समझ में आया, बढ़िया। तो अब हम लोग क्या करें, लाइक हाँ मैं यहीं पे ढूंढ देता हूँ, लिख सी, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बोल के लिख देता हूँ, ठीक है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, देखो क्या है, ये हो जाएगा तुम्हारा 8 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पर मैं कर देता हूँ, होल डिवाइडेड बाई तुम्हारा 10 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का, देखो सॉल्व करने के लिए मैं ये मिटा रहा हूँ, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं यार, समझ में आना चाहिए हम लोग कैसे निकाल रहे हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, फेवरेबल इवेंट बाई टोटल नंबर ऑफ इवेंट, फेवरेबल इवेंट क्या है मेरा, प्रोबेबिलिटी का 8 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल आया, होल नंबर बाई क्या है, होल नंबर ऑफ लाइक टोटल नंबर कितना है, 10 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व कर दो, 8 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल कितना हो गया तुम्हारा 8, अच्छा तो देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर मैं 10 को अगर सॉल्व करूँ, लाइक मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, सी 2 फैक्टोरियल है, मैं क्या कर रहा हूँ 10 को खोल रहा हूँ, मीन 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे 8 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल कट जाएगा, एंड मैं 3 एंड 2 को कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, लाइक देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 3 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू लाइक 3 फैक्टोरियल लिख दिया, 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या, यहाँ पर 2 एंड 2 कट जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ये हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये 3 फैक्टोरियल को खोला हूँ मैं, इंटू मेरा क्या है 2 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल कट गया, और मेरा ये 8 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल कट गया। अब तुम यहाँ पर 3 इंटू 3 काट सकते हो 9, एंड 2 5 काट सकते हो 10, तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर क्या जाएगा, 1/5 = 15, यहाँ पर 1/15 तुम्हारा आंसर है, क्लियर है, समझ में आ रहा है, बढ़िया। अब देखो अब सी ये तो हो गया तुम्हारा फर्स्ट बिट, हो गया फर्स्ट बिट सॉल्व कर लिया, अब आते हैं सेकेंड बिट में, देखो यार सेकेंड बिट क्या बोल रहा है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट समझना,
ठीक है, हमारे पास क्या बोल रहा है लाइक सेकंड बिट। तो यार बिट्टू के लिए क्या करना था, यहाँ पे क्या बोला, नो टू टीज ऑकर टुगेदर, हमें निकालना है क्या कि कोई भी टी, कोई भी दो टी एक साथ नहीं होगा, कोई भी दो टी एक साथ नहीं होगा, ठीक है, उसका निकालना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, थी हमारे पास कितना है टोटल, टेन, हमारे पास 10 लेटर्स है, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, समझते हैं यार, नो टू टीज ऑकर टुगेदर कब, मतलब दो टी एक साथ कब कब नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, लाइक देखो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टीज कितना है, 3 टी है, टोटल नंबर ऑफ टीज कितना है, 3 है, ठीक है, तो बाकी बचा 7 लेटर्स बच गया। और 7 लेटर्स को हम लोग कैसे अरेंज कर सकते हैं, लाइक नंबर ऑफ अरेंजमेंट कैसे हो जाएगा, वो 7 लेटर्स में 7 फैक्टोरियल, हम लोग 7 लेटर्स को कैसे अरेंज कर सकते हैं, 7 फैक्टोरियल, जिसमें तुम्हारा ए रिपीट हो रहा था 2 टाइम, 7 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, ये हम लोग 7 लेटर्स को क्या किया, अरेंज कर दिया। अब देखो हम लोग क्या करना, 3 टी को पुट करना है इन बिटवीन, ठीक है, इन बिटवीन 3 टू को ऐसे पुट करना है, ये 3 टी को ऐसे पुट करना है यहाँ पे, जैसे कि 2 टी एक साथ कभी ना आए, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सी हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 टी को इधर फिक्स कर दे रहे हैं और 1 टी को इधर फिक्स कर दे रहे हैं, ठीक है, क्लियर है, देखो जो बोला हूँ समझो, हम लोग क्या किया, 2 टी को इधर फिक्स कर दिया। अब तुम सोचो यहाँ पर टी हो सकता है क्या, अगर यहाँ पर टी हो तो दोनों टी लगातार हो जाएगा ना, मीन्स इस प्लेस में टी नहीं हो सकता, ठीक है। अब सिमिलरली इस प्लेस में भी टी नहीं हो सकता, बाकी बचा कितना प्लेस, यहाँ पर 6 प्लेस बच गया, मतलब टी कहाँ कहाँ हो सकता है, लाइक टी को हम लोग कैसे, लाइक कितना प्लेसेस है जो टी के लिए अवेलेबल है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 6, यहाँ पर 1, तो 3 यहाँ, मतलब यहाँ पर देखो यहाँ पर तो बाकी वॉट, बाकी 7 लेटर्स भी है ना, तो टी यहाँ पे होगा तो बाकी 7 लेटर्स इधर होगा, अगर टी यहाँ पे हुआ तो ये, मतलब ये जो प्लेस है वो तुम्हारा, ये जो 6 प्लेस है वो तुम्हारे टी के लिए अवेलेबल है, ये जो 6 प्लेस, ये 6 प्लेस में कहीं भी टी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग नंबर ऑफ क्या, यहाँ पर टी के लिए हम लोग कितना मिला, यहाँ पर टी के लिए टी कहाँ कहाँ हो सकता है, उसके लिए कितना स्पेस मिला, इधर 6 मिला, इधर 1 मिला, इधर 1 मिला, मतलब टोटल 8 स्पेस है जहाँ पे तुम्हारा टी जा सकता है, ठीक है, 8 प्लेस है जहाँ पे टी जा सकता है। तो हम लोग इसको कैसे वे, मतलब कैसे अरेंज कर सकते हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज इन विच नो टू टीज ऑकर ऑकर टुगेदर, हमें यही निकालना लाइक जो तुम्हारा दो टी एक साथ ना हो, ऑकर टुगेदर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहली बात हम लोग क्या किए, हम लोग क्या किए, 8 स्पेस में हम लोग 3 टो सिलेक्ट करेंगे, 8 स्पेस में हम लोग 3 टी सिलेक्ट करेंगे, अब बाकी जो बच गया वो तुम्हारा वहाँ पर, वो बाकी जो स्पेस बच गया वहाँ पर तुम्हारा 7 लेटर्स होगा, और 7 लेटर्स को हम लोग ऐसे अरेंज कर सकते हैं, क्लियर है, समझ में आया, ये कैसे आया, ये चीज़ कैसे हो, पता चला 8 स्पेस हो गया, यहाँ पर 6 स्पेस, यहाँ पे 1 स्पेस, यहाँ पे 1 स्पेस, ये 8 स्पेस खाली है जहाँ पर तुम्हारा तुम टी को ले सकते हो, तो 8C3 सिलेक्ट कर सकते हैं ना टी को, तो 8C3, और बाकी जो देखो टी डाल दिए तो बाकी जो 7 लेटर्स या 7 स्पेस बचे हैं वहाँ पर 7 लेटर्स जा सकते हैं, तो 7 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ पर ए रिपीट हो रहा था, क्लियर है। तो यार देखो यहाँ से हम लोग क्या किए, हम लोग फेवरेबल इवेंट निकाल दिए, एम निकाल दिया, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, लाइक क्या करेंगे हम लोग, सिंपल है यार, सी तो तुम्हारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, ये फेवरेबल इवेंट, तो यहाँ पर 8C3 लाइक 8 ऊपर होता है, ठीक है, 8C3 into 7 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, क्लियर है, देखो पूरा क्लियर होना चाहिए। और बाकी टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितना था, 10 10 फैक्टोरियल बाई, तुम्हारा क्या था, अगर तुम्हें याद हो तो क्या था, 10 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल था टोटल नंबर ऑफ, ठीक है। तो अब देखो वही सेम स्टेटमेंट यार, 8 into 7 into 6 by 3 into 2 into 1 लाइक into 7 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल को 2 into 1 लिख सकता हूँ मैं, अब बाई 10 फैक्टोरियल को मैं 10 into 8 into लाइक 10 into 9 into 7, ठीक है, 7 में रुक दूंगा तो 7 फैक्टोरियल काट सकता हूँ, ठीक है, तो 10 into 9 into 8 into 7 फैक्टोरियल बाई, यहाँ पर देखो क्या, 3 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल ना, तो 3 फैक्टोरियल 3 into 2 into 1 होल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 2 into 1, देखो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल जो था ना वो हम लोग ये टर्म को टोटली काट देते हैं डायरेक्टली, यहाँ 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल कट गया, ठीक है, देखो ये भी 3 फैक्टोरियल था, यहाँ भी 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, ठीक है, यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग काट सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर अब बचा क्या, देखो अब जो बच गया उसको काटने का, ठीक है, तो बचा क्या, लाइक हमारे पास बचा 8 into 7 into 6 by 10 into 9 into 8 बचा, ठीक है, तो यहाँ पर देखो काटोगे क्या, लाइक 3 से लाइक 2 से काट देता हूँ, 2 4 जाए 8, 2 8 8 तो डायरेक्टली कट जाएगा यार, 8 8 कट गया डायरेक्टली, अब बचा क्या, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, 2 5 जा 10, ठीक है, और कुछ कटेगा, नहीं कटेगा, तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, लाइक 7 बाई
फाइव से जो 15, क्लियर है, ये तुम्हारा आंसर है। समझ में आया कि नहीं? देखो यार, समझ में आना चाहिए प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, तुम्हारा क्लियर है ना? प्रोबेबिलिटी का हम लोग देखे क्या, डेफिनेशन देखे, ठीक है, प्रॉब्लम्स देखे, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है, कैसे टैकल करना है, और जो ढूंढ जिसका ढूंढना है पहले उसको निकालो। हाँ, ये है कि तुम पहले क्या करो, तुम लोग स्टार्टिंग में क्या करो, टोटल नंबर निकालो यार। प्रोबेबिलिटी ढूंढने के लिए हमें क्या, फेवरेबल इवेंट बाई टोटल नंबर ऑफ इवेंट, ये होता है, ठीक है। सो गाइज देखो यार, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करो ये, और इससे आगे हम लोग, ठीक है, ये तो स्टार्टिंग था प्रोबेबिलिटी का, ये तुम्हारा क्या डेफिनेशन वगैरह था, स्टार्टिंग वीडियो था, इससे आगे भी करेंगे, सारा करेंगे, ठीक है, चलो ओके, बाय बाय।